और ये मेरा ससुराल। आपका ननियाल है, मेरा तो ससुराल है। और हमारा कार है पार्क वहां पर। ये देखिए, ये ग्रीन वाले के अंदर में। तो हम सोच रहे थे एक्चुअली बाइक से जाने के लिए, लेकिन मौसम ऐसा है कि बारिश एक्चुअली शुरू हो चुकी है, तो और मेरी बेटी भी मेरे साथ रहेगी, तो मैं इसको भींगते हुए तो नहीं देख सकता हूँ। अगर मैं अकेला होता तो चल जाता, इसलिए हम लोग चलेंगे कार से। चलिए चलिए चलिए, धीरे धीरे जाइएगा बेटा, गिरिएगा नहीं, ठीक है? बारिश में मुझे बहुत ही मजा आता है। हाँ चलिए, लेकिन आपको बारिश में भींगने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग कार में जाएंगे। तो क्या आपको बारिश में भींगना है क्या? नहीं। फिर चलिए चलते हैं। तो मैं आ गया हूँ अपने ससुराल से निकल के, मेरे बड़े साले साहब का ससुराल। मेरी बेटी खा रही है एप्पल। क्या खा रही बेटा? एप्पल, ढेर सारा एप्पल। और ये गांव का नाम है, इस गांव का नाम है मरवा। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का बहुत ही फेमस टेंपल, भगवान शंकर भगवान का है, इस इलाके का फेमस टेंपल है शिव गणेश माता टेंपल। कैसा है टेंपल? बहुत ही मुझे सुंदर लग रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। उस दुर्गा मंदिर से भी ज्यादा सुंदर। तो ये है यहाँ का सबसे फेमस इस इलाके का टेंपल है शंकर भगवान का। हम लोग अंदर भी जाएंगे। इधर साइड में चप्पल खोलिए। है ना, प्रणाम कर लीजिए। हम आपको एक और अच्छा सा चीज दिखाएं, एक बढ़िया सा चीज, बहुत ही अच्छा सा चीज। वो देखिए आपके पीछे क्या है, वो देखिए नंदी। कैसा है नंदी? चलिए चलिए जल्दी से प्रणाम करते हैं उनको भी। चलिए चलिए जल्दी से चलिए। चलिए बेटा, क्या चाहिए? अरे पीछे चलिए ना, तब मैं झूठ करके बताऊंगी। क्या आपको कुछ लेना है? हाँ। क्या लेना है? पीछे तो चलिए। चलिए चलिए, आप आगे आगे चलिए, तेजी से चलिए। अब मेरी बेटी जिद कर रही है कि इसको कुछ खरीदना है। हाँ, उधर किधर? देखो भाई, बच्चों का नजर, हे भगवान, बच्चे का नजर सच में। अब ये क्या खरीदना है बेटा? है कार कत्ते के चीके? कौन सा मोबाइल चाहिए बेटा? बेटा वो बच्चों के लिए मोबाइल, इसमें तो कुछ है ही नहीं प्रेस करने के लिए। ये गाड़ी चाहिए? ये गाड़ी, ये जीप, क्या चाहिए? ये वाला मोबाइल। अरे भगवान, आप बड़ी होती जा रही हो और इसके साथ खेलोगी? अरे बेटा, ये चाहिए? ये वाला कैसा है? ये कैसा है बेटा? इससे मुझे डर लगता है। किससे डर लगता है? खा भी जाता है।
ये चाहिए, ये चाहिए, यही चाहिए, वो नहीं चाहिए। नहीं। पक्का? पक्का। एक अब चेंज नहीं करना, ठीक है? ओके। लीजिए। कितना दिया? आप चाहिए इसको लेके? चलिए चलिए। फाइनली मेरी बेटी और हम लोग इस मंदिर का दर्शन करके वापस कार में जा रहे हैं। मेरी बेटी को बाघ चाहिए था तो वो बाघ लेकर ही मानी। हाँ हेलो। ओके सो वी आर बैक। अच्छा लगा बेटा? बहुत ही क्यूट है। कैसा है? सो मच क्यूट। ये सारा फल धुल चुका है और अभी ये सारा फल धोना बाकी है। आज मेरी मम्मी रिकॉर्डिंग कर रही है। पर्व को किस लिए मनाते हैं बताओ? इस पर्व को किस लिए मनाते? सब मन्नत रहे छे। सब मन्नत मतलब सब कबूलो रहे छे रे। अच्छा कि ई चीज हम तो करबो नै, चीज हम तो करबो नै, चीज हम तो। इस पर्व को मनाते हैं अगर मन में कुछ इच्छा होता है उसको अगर भगवान जी पूरा करते हैं तो बोलते हैं कि हम तो ये पर्व करेंगे। अपने घर में नहीं कर रहे क्योंकि पापा नहीं करे, अगले साल से करेंगे हम लोग। किसी और के साथ में ये पर्व सेलिब्रेट करने वाले हैं। अपने परिवार के साथ? अपने परिवार के साथ, हम लोग का फैमिली ही है वो, उसके साथ में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। मेरी मम्मी जिस तरह से पूजा करती है ना तो उसको मैच कराना बहुत मुश्किल है। कैसे पूजा कराती है मम्मी? बहुत परिश्रम करवाती है मम्मी, बहुत ज़्यादा। हर एक चीज़ को साफ सफाई करना पड़ेगा। और ये हम लोगों का पूजा घर, डेडिकेटेड पूजा घर। कैमरा फिर से कैमरा मैन के हाथ में दे देते हैं, मम्मी के हाथ में। इस गांव में मेरी मम्मी फेमस है जिस तरीके से पूजा करती है। इवन पंडित जी भी डरते हैं हमारे घर में पूजा कराने से। कुछ कुछ चीज़ पंडित जी भूल जाते हैं, मम्मी याद दिलाती है, पंडित जी ये आप भूल गए, ये नहीं किए। हाँ जो मिले से नाशपाती कहाँ? बेंगलोर में लाल लाल मिले से मीठा कते से भाव से ज्यादा मीठा। बेंगलोर का ना? हाँ अब की हम दशहरा में वह खेली लौंडी का वहाँ। तो ये है सारा फल, पांच छह तरह का, जो कि हम लोग सजाएंगे आज रात में। और ये है हम लोगों का पूजा घर। ये नारियल भी है। माता दुर्गे सब कुछ शुद्ध तरीके से। इस घर में आप इंटर ही करना मुश्किल है जब तक मम्मी में ताकत है। शुद्ध 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 हो गया ये काम। यही है गांव की खूबसूरती। तो आज गणेश चतुर्थी भी है और हम आप लोगों के लिए वीडियो एडिट करना शुरू कर देंगे अब थोड़ी देर में। जितना वीडियो है उतना तो एडिट कर लेंगे क्योंकि बाकी वीडियो तो रात में मिलेगा, क्योंकि चौरचंडा फेस्टिवल जो है वो हम लोग थोड़ा लेट नाइट सेलिब्रेट करते हैं, अराउंड 8:30-9:00। और बाकी बचा जो रात में रिकॉर्डिंग करेंगे, जो आज हम लोगों का फेस्टिवल है,
उसको हम बाद में इसमें ऐड कर देंगे। दिस इज़ द एप्लीकेशन विच आई यूज टू एडिट द वीडियो। तो आज गणेश चतुर्थी भी है, हैप्पी गणेश चतुर्थी आप सभी लोगों को। सब डलिया वापस आ रहा है पूजा होने के बाद। तो चलिए, लगभग लगभग 11 बजने वाला है और वीडियो एडिटिंग भी अपना कंप्लीट हो चुका है लगभग लगभग। अब इसको मैं एक्सपोर्ट में डालूंगा और वंस इट इज एक्सपोर्टेड कम्प्लीटली देन आई विल अपलोड इट। तो होपफुली आप लोगों को सुबह ये वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये एक मेरा छोटा सा प्रयास था ये दिखाने के लिए कि ये हम लोगों का जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, जो हमारे रिचुअल्स हैं, छोटे बड़े जो भी हैं, उसे हमें ज़िंदा रखना है। आधुनिकता के साथ साथ में जो हमारे ट्रेडिशन है उसको भी आगे लेकर चलना है, उसको भुलाना नहीं है, चाहे पर्व छोटे हों या बड़े हों। और ये हमें जो है अपनी ज़मीन से जोड़े रखता है, हमें हमारे पाँव को जो है ज़मीन पर जुड़ाए रखता है। तो इस चीज़ के लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। तो यही मेरा प्रयास था आपको इस वीडियो के थ्रू दिखाने के लिए। होपफुली आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर वीडियो और भी अच्छा लगा होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, हम मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।